वेलकम स्टूडेंट्स आज हम फेशियोला हेपेटिका पार्ट फोर में फेशियोला के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फेशियोला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर हम डिस्कस करते हैं तो देखते हैं कि फेशियोला हेपेटिका इज हरमोफोडाइट कैसा होता है उभय लिंगी होता है द मेल एंड फीमेल डक्ट्स ओपन इन टू कॉमन चैम्बर कॉल्ड जेनाइटल एट्रियम जो मेल एंड फीमेल डक्ट्स हैं वो कॉमन चैम्बर में खुलती हैं हार्मोफोडाइट होता है उभयलिंगी होता है और इस जो कॉमन चैम्बर है उसको जेनाइटल एट्रियम कहा जाता है जेनाइट एट्रियम इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट ओपन्स आउट थ्रू गोनोपोर जो जेनाइटल एट्रियम है वो बॉडी के इंटीरियर पार्ट में स्थित होता है गोनोपोर के द्वारा खुलता है गोनोपोर इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द एसिटाबुलम एसिटाबुलम यानी कि जो पोस्टीरियर सकर है उसके जस्ट सामने गोनोपोर खुलता है अगर हम इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चूँकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें तो टेस्टीज सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेस्टीज़ को टेस्टीज कैसी होती है पेयर्ड होती है हाईली लोब्ड लोब्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं अरेंज्ड वन बिहाइंड द अदर मिडिल एंड पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी अगर टेस्टीज को देखेंगे आप तो ये पोस्टीरियर रीजन में मिडिल और पोस्टीरियर रीजन में होती है और दोनों टेस्टीज जो हैं पेयर्ड हैं वो एक के बाद एक अरेंज होती हैं यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये तो है पोस्टीरियर टेस्टीज और ये आपको आगे की ओर दिखाई दे रही है एंटीरियर टेस्टीज यानी एक के बाद एक टेस्टीज यहाँ पे अरेंज होती है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द टेस्टीज गिव राइज टू द स्पम एपिथेलियल लाइनिंग जो है टेस्टीज की वो यहाँ ये स्पम्स प्रोड्यूस करती है नेक्स्ट आते हैं वॉसा वॉसा डिफरेंशिया नैरो सिलेंड्रिकल डक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम द टेस्टीज यहाँ पे ये ये वासा डिफरेंस है ये जो नैरो सिलेंड्रिकल डक्ट्स की फॉर्म में होते हैं जो टेस्टीज से अराइज़ होती हैं दीज टू रंस साइड बाय साइड एंटीरियरली अप टू द लेवल ऑफ एसिटाबुलम ये जो वासा डिफरेंस है दोनों तरफ साइड बाई साइड आगे की ओर क्या होगा एंटीरियरली जो एसीटाबुलम तक ये आगे की ओर रन करती हैं दोनों तरफ से सेमिनल वसाइकल एट द एसिटाबुलम टू वासा डिफरेंशिया यूनाइट एंड फॉर्म पियर शेप्ड सेमिनल वसाइकल विच स्टोर स्पम अब दोनों तरफ की जो वासा डिफरेंशिया हैं वो आपस में यूनाइट हो जाती हैं और यूनाइट होकर एक पियर शेप्ड बॉडी का फॉर्मेशन कर लेती हैं जिसको सेमिनल वसाइकल कहा जाता है ये देखिए आप आगे एसिटाबुलम के पास में यहाँ पर ये यह सेमिनल वेसाइकल का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि स्टोर को स्पर्म करता है इजाकुलटरी डक्ट एंड सीरस इन नैरो ट्विस्टेड ट्यूब अराइजिंग फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल इज कॉल्ड इजाकुलेट्री डुलेट्री डॉर्ड एंड एंटर्स दस्कुलर एंड इवर्सिबलट्री ऑर्गन अपनाइटल एट्रियम एंड ओपन मेलटल अपर्चर जेनाइटल एट्रियम इन टर्न ओपन आउट थ्रू ए कॉमन गोपोर नेक्स्ट अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आते हैं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो ओवरी सॉलिटरी होती है एकल होती है हाईली ब्रांसड होगी ओवरी जैसे कि डायग्राम में आप यहाँ देख रहे हैं ये ओवरी है हाईली ब्रांसड है एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लाइज एंटीरियर टू द टेस्टीज ये टेस्टीज के जस्ट आगे ओवरी होती है ओविडक्ट एंड यूट्रस All ऑल द ब्रांचेज ऑफ ओवरी गैदर पोस्टीरियली टू फॉर्म ए शॉर्ट नैरोूब द ओविडक्ट ये देखिए आप, आपको यहाँ पर ये डायग्राम में ये ओवरी दिखाई दे रही है और ये ओवरी से से जितनी भी ब्रांचेज निकल रही हैं वो पोस्टीरियली किसमें ओविडक्ट में, में गैदर होकर एक नेरो ट्यूब की फॉर्म में ओविडक्ट का फॉर्मेशन कर, कर रही हैं अब ये जो ओविडक्ट एंड यूट्रस अब इट एक्सटेंड्स बैकवर्ड टुवर्ड द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी पीछे की ओर ये मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी की तरफ एक्सटेंड होती है एंड ज्वाइंट द मीडियन विटेलाइन डक्ट टू फॉर्म द ओवो विटेलाइन डक्ट और यूटरस और अल्टीमेटली ये किसके साथ ये देखिए ये यूटरस बन रहा है यहाँ ये बना रही हैं यहाँ पे मतलब ये पीछे की ओर बैकवर्डली टुवर्ड द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी बैकवर्ड एक्सटेंड होती है और मीडियन विटेलाइन डक्ट के साथ मिलकर ये ओवो विटेलाइन डक्ट या यूट्रस का फॉर्मेशन कर लेती है इन सब स्पीशीज बिफोर जॉइनिंग मीडियन विटेलाइन डक्ट द ओविडक्ट सोल सब्स टू फॉर्म ए स्मॉल राउंडेड सेंट्रल चैम्बर ऊ टाइप फिशोला है, पेटिका में ऊ टाइप एबसेंट होता है लेकिन न, कुछ स्पीशीज में जो मीडियन विटेलाइन डक्ट है ओविडक्ट उससे जॉइनिंग करने से पहले जो ओविडक्ट है स्वेल एक फॉर्म है स्मॉल राउंडेड सेंट्रल चैम्बर के फॉर्म है जिसको ऊ टाइप कहा जाता है का फॉर्मेशन करती है यूट्रस इज ए लॉन्ग एंड कॉन्वलेटेड ट्यूब दैट एक्सटेंड्स अप टू द एट्रियम एंड ओपन आउट थ्रू फीमेल अपर्चर यूटरस कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ कैप्सूल कंटेनिंग फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में फर्टिलाइज एग होते हैं जिनको कैप्सूल्स कहा जाता है या कैप्सूल की फॉर्म में होते हैं ए शॉर्ट मस्कुलर कॉपुलेटरी ट्यूब कॉल्ड लॉरियल लॉरियस फ्रॉम द फ्राम इट सर्व एज वजना ड्यूरिंग कॉपुलेशन एसोसिएटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू इम्पॉर्टेंट ग्लैंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं नंबर पहला विटेलाइन ग्लैंड या इसको वाइटेलरिया भी कहा जाता है अकर्स एज क्लस्टर्स ऑफ फॉलिकल अलोंग एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी फॉलिकल्स के क्लस्टर्स की फॉर्म में पूरी बॉडी की लंबाई में पाई जाती हैं फॉलिकल्स ऑन ईच साइड आर कनेक्टेड टू द विटेलाइन डक

यूटरस, विटेलाइन ग्लैंड प्रोड्यूस स्पेशल योग सेल्स कंटेन योग फॉर नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो न्यूमरस लार्ज शेल ग्लोब्यूल्स विच फॉर्म एग शेल्स दूसरे टाइप की जो ग्लैंड्स होती हैं वो मेहलीस ग्लैंड्स होती हैं इनको शेल ग्लैंड भी कहा जाता है बट डोंट प्ले एनी रोल इन शेल फॉर्मेशन हालांकि इनका शेल फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होता दीज आर क्लस्टर्स ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड ये यूनिसेलुलर ग्लैंड के क्लस्टर्स होते हैं प्रजेंट एट द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट मीडियन विटेलाइनडक्ट एंड यूटरस ओविडक्ट मीडियन विटेलाइनडक्ट और यूटरस के जंक्शन पर ये क्लस्टर्स मौजूद होते हैं इट्स सीक्रेशन हेल्प इन लुप्लीकेटिंग द यूटरस स्मुथ पैसेज ऑफ एग्स इन एक्टिवेटिंग द स्पम जो एग के पैसेज को स्मूथ बनाने के काम इनके सीक्रेशन के द्वारा किया जाता है तो आज हमने पढ़ा फेशोला हेपेटिका के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थैंक यू थैंक यू वेरी मच